हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 38th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा इंग्लैंड बनाम इंडिया के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 30 जून की दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा इंग्लैंड के एजबेस्टन बर्मिंघम में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम है मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो बल्लेबाज हैं वह रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, विजय शंकर जैसे बल्लेबाज और महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज दोस्तों। और मेरा यह मानना है कि भारतीय टीम को विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, क्योंकि जो ऋषभ पंत है वो मिडल ऑर्डर में तेज़ खेलेंगे नंबर 4 पे, और जहाँ की विजय शंकर है वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं और अपने जो उनकी नी की इंजरी है उसकी वजह से वो बॉलिंग भी नहीं करा पा रहे हैं। तो अगर मैं एज अ बैट्समैन देखूं तो ऋषभ पंत ज़्यादा बेटर है विजय शंकर से। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर नजर डालूं तो उनके पास ओयन मॉर्गन जैसे बल्लेबाज, जॉनी बेस्टो, जॉश बटलर, जेम्स वेन्स, जो रूट जैसे बल्लेबाज है दोस्तों, और बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज है। और बेन स्टोक्स तो कमाल की फॉर्म में है इस वर्ल्ड कप में। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में भारतीय टीम का पलड़ा भारी लग रहा है। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास हमारे पास द ग्रेट जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और द ग्रेट मोहम्मद शमी हैं। और मोहम्मद शमी ने तो क्या 2 मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी कराई है। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वो हैं जोफा आचियो जैसे गेंदबाज, लियम प्लंकेट, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मोइन अली जैसे गेंदबाज दोस्तों। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब आइए ये जानते हैं कि ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है। पर उससे पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शन है बैक टू बैक सही हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और दोस्तों रही बात ये मैच की, तो मेरे हिसाब से जो मैच है ये भारतीय टीम जीतेगी दोस्तों। मेरे हिसाब से इंडिया विल विन दिस मैच। और जो ये मैच होगा बहुत ही कांटे का होगा दोस्तों। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मेरे हिसाब से तो इंडिया ये मैच जीतेगी, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस मैच में जब जो भी कोई भी बैट प्लेस करें तो प्लीज़ दोनों बोथ साइड प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि बोथ साइड प्लस कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैच बहुत कांटे का होने वाला है। इन द एंड मैं इंडिया को बैक करूँगा मैच जीतने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।